हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग उपस्थित हैं प्रतिस्थापन विधि का अगला प्रश्न लेकर। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, आपने पिछले वीडियो से काफी लाभ उठाया होगा। कुछ और प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कुछ लिखिए, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको वीडियो से क्या लाभ हो रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। जैसा कि यहां दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा दो तरह से लग रहा है। एक तो भाड़ा फिक्स्ड है और दूसरा भाड़ा जो है वह किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। एक फिक्स्ड किराया है, दूसरा किलोमीटर के हिसाब से किराया है। तो कह रहा है कि यदि 10 किलोमीटर की दूरी तय किया जाए तो 105 रुपया भाड़ा लगता है, और यदि 15 किलोमीटर की दूरी तय की जाए तो 155 रुपया का भाड़ा लगता है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तब उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो इसमें दो चीज है। एक टैक्सी का नियत भाड़ा फिक्स रेट है कि इतना तो देना ही देना है, उसके अलावा किलोमीटर पर है कि जब आप जितना किलोमीटर जाएंगे उतने किलोमीटर के हिसाब से जोड़ करके देना हो। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि नियत भाड़ा एक्स और 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया। तो वही चीज यहां लिखते हैं कि मान लिया कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर ₹1 तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ₹2। इसका मतलब ये हुआ कि ₹1 फिक्स हो गया कि आप 1 किलोमीटर भी जाएं तो उसको ₹1 कम से कम देना है, उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे हर 1 किलोमीटर का ₹2 लगेगा। तो प्रश्न क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? हमारा प्रश्न का पहला भाग है कि 10 किलोमीटर, तो एक तो लगना ही लगना है, आप चाहे 10 किलोमीटर जाइए या 100 किलोमीटर जाइए, फिक्स है। अब इसके बाद 1 किलोमीटर का ₹2 है, तो 10 किलोमीटर का 10 y और ये दोनों मिलकर के ₹105 है। ये दो चर में एक रैखिक समीकरण तैयार हो गया। तथा दूसरा कंडीशन है, उसमें आदमी 15 किलोमीटर जा रहा है, तो x तो लगना है और 15 किलोमीटर का 15 y, ये दोनों मिलकर के ₹155 दिया हुआ है, ₹155। तो इस तरह से पहला काम हम लोगों का क्या है क्वेश्चन में, पहला काम ये है कि हम पहले दिए गए कंडीशन के हिसाब से हम समीकरण को तैयार करेंगे, और यदि हमारा समीकरण तैयार हो गया तो हमें तो हल करने आता ही आता है, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिए हैं। तो अब ये दो समीकरण जो हमारा तैयार हो गया, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आइए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक से क्या मिलेगा हमको, एक्स का वैल्यू 105 माइनस 10 y, इसका नाम दे दीजिए 3। ये 10 y को उधर भेजेंगे तो 105 में से माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया हमारा 105 माइनस 10 y, इसका नाम दे दिया समीकरण 3। अब x का मान ले आकर के इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर क्या मिलेगा, x जगह पर 105 माइनस 10 y, 105 माइनस 10 y x का वैल्यू हो गया। अब प्लस 15 y यहां पहले से दिया हुआ है इक्वल टू 155, तो अब ये हो जाएगा हमारा 15 में से 10 घटेगा 5 y और 155 माइनस हो जाएगा 105, तो 5 y बराबर हो जाएगा हमारा 50, तो y बराबर हो गया 50/5 = 10, यानी के y जो हम माने हैं उसका वैल्यू निकल गया 10, 1 किलोमीटर का भाड़ा। अब नियत भाड़ा हम x माने हैं, इसका वैल्यू समीकरण 3 से निकालते हैं। यहां लिखते हैं समीकरण 3 से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 गुने 10, यानी 105 माइनस 100, ये हो जाएगा 5। तो नियत भाड़ा हो गया ₹5 और हर किलोमीटर का भाड़ा हो गया ₹10। तो लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर ₹5, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ₹10।
ये दोनों हमारा आंसर है। परंतु क्वेश्चन का एक और पार्ट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसका क्या होगा, तो अगला भाग का, इसलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 25 वाई। हमारा x तो फिक्स है और ये 1 किलोमीटर का है तो 25 किलोमीटर गया है तो 25 गुने वाई, और x हमारा फिक्स है 5 और जोड़ 25 गुने 10, ये हो गया हमारा 5 जोड़ 250 बराबर 255 रुपया, तो दूसरा आंसर हमारा ये। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया। अब एक बार हम चेक करते हैं कि यदि हम 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर का तो 10 × 100 रुपया लगा, अब प्लस 5 रुपया फिक्स है 105 हो गया, 105 दिया हुआ है 10 किलोमीटर का भाड़ा 105। 15 किलोमीटर गए तो 15 × 150 यानी 150, अब प्लस 5 जोड़ दिए 155, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने टैक्सी का नियत भाड़ा भी निकाला और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा भी निकाला। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 का 6 कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, अभी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, इस प्रश्न में एक जैकब है जिसकी आयु 5 वर्ष बाद कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाए, और 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ऐसी स्थिति में जैकब की आयु क्या होगी और उसके पुत्र की आयु क्या होगी, ये हम लोगों को निकालना है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं वर्तमान आयु। तो लिखेंगे मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 2y वर्ष। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे और बदल करके फिर हम उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और x और y का मान हम लोगों को निकल जाएगा। x जो होगा वह जैकब की आयु हो जाएगी और y जो होगा वह उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। तो इस तरह से काफी अच्छा टॉपिक है ये, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग सारे सवाल को बदल रहे हैं और बदल करके उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। आप यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल नाइस मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको हमेशा इस तरह का वीडियो मिलता रहे और आप अपने अध्ययन का काम करते रहे। तो जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 2y वर्ष। तो जैकब और उसके पुत्र, ये दोनों की वर्तमान आयु हम लोगों ने मान लिया। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले और फिर 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पहले तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए जैकब की आयु 1 था तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 1 - 5। उसके पुत्र की आयु 2y था तो 2y बाद वाला, पहले कंडीशन क्या है, बाद वाला है 5 वर्ष बाद, तो ऐड कर देंगे, यहां भी ऐड कर देंगे। तो ये जैकब की वर्तमान आयु है, 5 ऐड कर दिए तो 1 + 5 5 वर्ष बाद हो गया। ये पुत्र की वर्तमान आयु है, 5 ऐड कर दिए तो ये 5 वर्ष बाद हो गया। अब दोनों में कंडीशन ये है कि इसका 3 गुना कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या किए, x + 5 = 3y + 15, इसको तोड़े, 3y + 3 = 15। इस तरह से हमारा x - 3y और ये उधर जाके घटेगा तो = 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि 5 वर्ष पहले 7 गुना था, तो लिखेंगे तथा x - 5 = 7 × y - 5। यानी कि जैकब की जो आयु 1 है उसमें 5 माइनस कर दिए, पुत्र की जो आयु है उसमें से 5 माइनस कर दिए, अब इसमें 7 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ये होगा हमारा x - 5 = 7y - 35। अब ये हो जाएगा हमारा x - 7y
और ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो ये हो जाएगा माइनस 30। इस तरह से हम लोगों ने दो समीकरण बनाया, देखिए तो कितना अच्छा लगा आपको, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल दिए हम लोग। अब बदल दिए तो बड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो अब हम लोग उसको प्रतिस्थापन विधि से यहाँ हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण एक है, समीकरण दो है। समीकरण एक से एक चर का मान निकालेंगे, दो में लेकर रखेंगे, लिखते हैं कि समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ये 3y माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका नाम दे दीजिए 3। अब x का मान कहां रखना है, x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, दो में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x, x यानी 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। ये 10 को उधर भेजिए तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा। ये भी 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 40/4 यानी 3। अब 3 से x बराबर 10 जोड़ 3 गुने 10 यानी 10 जोड़ 30 बराबर 40। तो x हम लोगों ने क्या माना है, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y हो गया 10 वर्ष। अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष हो गया। कितना आसान है। तो यदि हम लोग एक बार मेथड को बढ़िया से समझ ले तो हमें उस पर प्रश्न करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने कई प्रश्नों को किया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को सीखा, उस पर कई सवाल किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को सीखेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के बहुत सारे फायदेमंद वीडियो आपको मिलता रहे। आगे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अर्थमेटिक का, स्टैटिस्टिक्स का वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, सबका लाभ आपको मिलता रहेगा। ओके.